अब तक आपने देखा, प्रतिभा किटी पार्टी के लिए नाश्ता नहीं बनाती है। सुनिधि जब वापस आती है तो देखती है कि प्रतिभा ने कुछ भी नहीं बनाया है। प्रतिभा तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है, पर सुनिधि उस पर बरस पड़ती है और इल्जाम लगाती है कि प्रतिभा उससे बदला ले रही है। सुनिधि की फ्रेंड्स आ जाती हैं और सुनिधि के बहुत कोशिश करने पर भी रेस्टोरेंट से टाइम पर खाना नहीं आ पाता और उसकी फ्रेंड्स उसे ताने मार कर चली जाती हैं। अब आगे आपका ऑर्डर। मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश करके आपने अच्छा नहीं किया दीदी, पर निकल आए हैं आपके। कोई बात नहीं, पहले मैं आपके पर काटूंगी, फिर सबके सामने आपकी नाक काटूंगी। मेरे लिए खाना नहीं बनाना आपको, लेकिन दीदी खाना बनाने के अलावा आपको आता ही क्या है? जेठानी तो आप सिर्फ नाम की है, पर इज्जत, इज्जत तो किसी काम वाली बाई से ज्यादा नहीं। और अब जब आप खाना ही नहीं बनाएंगे तो फिर इस घर में आपका क्या काम? गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। हे भगवान, प्लीज सब कुछ ठीक कर दो। मेरी गलती नहीं थी। सुनिधि ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। वो कम से कम मुझसे एक बार ऐसे भी कह देती तो मैं खाना जरूर बनाती। वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं भला खाना बनाने से मना क्यों करती? मुझे फंसाया आपने। अब देखना, मैं आपको इस खेल में ऐसा फंसाऊंगी हर कोई नफरत करेगा आपसे। तो ये मैं जान दीदी, The game is on. अब तो चैलेंज ले लिया मैंने। जो भी कहो, जिस तरीके से मेहमान आज इस घर से वापस गए हैं, वो ठीक नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सुनिधि अब चुपचाप नहीं बैठेगी। मैं नहीं चाहती इनके सामने कोई भी तमाशा खड़ा हो। क्या करूं मैं? क्या करूं? बच गए। हे भगवान, मैं ऐसे कैसे सो गई? मुझे कोई उठाने क्यों नहीं आया?
महीन भी आते होंगे, बच्चे माजी सब लोग भूखे होंगे। वाह, क्या कमाल की खुशबू आ रही है, मजा आ गया। मुन्नू कब आएगा? टाइम से आ जाता तो गरम गरम खा लेता। मम्मी जी, मैंने भाई साहब को फोन किया था, वो बस पहुंचने ही वाले। अरे दीदी, कहाँ जा रही है? मैं सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। कमाल है दीदी, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, हम सब यहाँ खाना खाने ही तो बैठे हैं। और वैसे भी आप क्यों बनाएंगी, आपकी तो तबीयत खराब है ना, आप जाकर आराम कीजिए। दीदी, मैंने माँ जी को सब बता दिया कि आज आप कितनी बीमार थी, है ना माँ जी? मेरे बाज की आंखें होती तो आसमान से मोती ढूंढ लाती, तो मेरे से क्यों पूछ रही है? मुझे ये तो पता नहीं ये बीमार है या नहीं, पर इसे देख के मुझे डेंगू बुखार चढ़ रहा है। मैं घर का खाना बनाती हूँ ना, जल्दी से बना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है ये झूठी मोम आया दिखाने की। मोम, इतना टेस्टी खाना है तो जरूरी थोड़ी ना कि रोज आप ही डिनर बनाओ। अब रहने दीजिए दीदी, हमें क्या पता कि आप हमारे लिए खाना भी बनाना चाहती हैं या नहीं, सो हमने ऑर्डर कर दिया। सोचा तो होगा आपने कि हम लोग सब भूखे बैठे होंगे, पर देखिए ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, किसी को आपकी जरूरत नहीं पड़ी दीदी। और अब ना दीदी, आप खाना बनाने की टेंशन छोड़ दीजिए, आप बस आराम से खाइए और एंजॉय कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। भाभी, आपकी तबीयत वास्तव में बहुत खराब है, अगर आप बोलते हैं तो मैं डॉक्टर को बुलवा देता हूँ। अनमोल बेटा, तुम लोग कमरे में जाकर खाओ, मैं बाद में आके साफ कर दूं। भाई पापा। सॉरी दीदी, मैं आपसे अपसेट नहीं हूं, मैं तो बस इस बात से अपसेट हूं दीदी कि आज हमारे घर की इज्जत इस तरह से उछाली गई। मेरी फ्रेंड्स मुझ पे हंस रही हैं, हमारे घर पर हंस रही हैं कि हमने उन्हें घर पर बुलाया, 2 घंटे बिठाया और बिना कुछ खिलाए पिलाए भूखा भेज दिया। दीदी, आप मुझे पहले से कह देती ना कि आज आप कुछ नहीं बनाएंगी, मैं होटल से टाइम पर ऑर्डर कर लेती या फिर खुद बना लेती। पर सारे गेस्ट आ जाने के बाद आपने बहाना बना दिया कि आपकी तबीयत खराब है और आप कुछ नहीं बनाएंगे। It was so embarrassing, दीदी। It was so embarrassing। पीछे मत हटना प्रतिभा, डरना भी मत, अपने मन की बात सामने ला, यू टर्न मत मारना। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने कुछ बनाया ही नहीं? घर में खाना तुम ही बनाती हो, किचन में और तो कोई जाता नहीं, तो इस हरकत का क्या क्या मतलब क्या है? वो सुनिधि ने मुझसे पूछा ही नहीं कि उसकी किटी पार्टी के लिए खाना बनाने का वक्त है भी नहीं, है भी कि नहीं मेरे पास। तुम किसी काम में बिजी थी? मतलब कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए था सुनिधि को। क्यों? सुनिधि को क्यों पूछना चाहिए था तुमसे? सबको पता है घर में खाना तुम बनाती हो तो तुम ही बनाओगी ना, ये कौन सी नई नवाबी आदत पाली है तुमने?
कि जब तक कोई पूछेगा नहीं तुम खाना नहीं पकाओगी। घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, यही तो करती हो तुम, तो क्या पूछा जाए इसमें? ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा घर है, तो कोई तुमसे आके पूछेगा क्यों? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि घर की इज्जत बर्बाद ना हो, नाम खराब ना हो? सुनिधि ने कुछ पूछा नहीं। काश ये मर्द अपनी सोच से बाहर निकलकर भी सोच पाते कि हाउसवाइफ का मतलब सिर्फ खाना पकाना नहीं होता। जी, मैं वो अरे ओ तुमके वाली, बस कर। और कितनी बहस करेगी मेरे मुन्नू से? जो तुझे कहना है बस इतना बोल, सॉरी। अपनी बेहुदा हरकत के लिए माफी मांग ले और किसी को कुछ नहीं सुनना। दीदी आइए, हमारे साथ डिनर कीजिए। मेरी इंसल्ट तो आपने खूब एंजॉय करी, अब डिनर भी एंजॉय कीजिए। ये नाश्ता जो मैंने अपनी किटी पार्टी के फ्रेंड्स के लिए मंगवाया था, कम से कम अब आप तो इसे खा ही लीजिए। ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा घर है, तो कोई तुमसे आके पूछेगा क्यों? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि घर की इज्जत बर्बाद ना हो, नाम खराब ना हो? सुनिधि ने कुछ पूछा नहीं। सोचा तो होगा आपने कि हम लोग सब भूखे बैठे होंगे, पर देखिए ना, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। किसी को आपकी जरूरत नहीं पड़ी दीदी। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कितनी झूठी हूं। सुनिधि और माँ जी फिर से मुझसे नाराज है। महीन ना कोई मेरी बात सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। करूं तो क्या करूं? थैंक गॉड आज मोम ने खाना नहीं बनाया, हमें कितना टेस्टी पिज्जा खाने को मिल रहा है। काश मोम रोज खाना ना बनाए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या गलत किया मैंने? सिर्फ यही तो कहा था कि सुनिधि को मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। कोई मुझे समझना क्यों नहीं चाहता यहाँ? किसी को मेरी जरूरत नहीं है, कोई मुझसे कुछ पूछता भी नहीं। सही कहते हैं सब, मुझे साफ सफाई, खाना बनाना, इन सब कामों के अलावा आता ही क्या है? सही सोच रही है तू? सोच कि क्या वैल्यू है तेरी इस घर में। शेपियों का कम ऑयल वाला पराठा, महीन का एक्स्ट्रा तीखा, सुनिधि के लिए ओट्स रेडी है, ये संजीव के लिए देसी घी वाला पराठा। भाभी क्या पराठे बनाए, क्या खुशबू आ रही है आपके पराठे ना, सच में किलर है। अब यही सी शालू के साथ करके देखते हैं। अब यही काम देखो शालू भी कर लेती है। शालू क्यों, किसी भी कुक को पता होगा कि परांठे कैसे बनाए जाते हैं। क्या परांठे बनाए, वही खुशबू, एकदम भाभी के हाथों के जैसी। ये क्या कर डाला मैंने, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर डाली। मैं किसी भी काम के लिए मना कर देती, लेकिन खाना बनाने के लिए मना क्यों किया? यही काम तो मुझे अच्छे से करना आता था।
जिसकी उम्मीद घर वाले मुझसे रखते थे और मैंने उनकी उम्मीद को ही तोड़ दिया। गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं, ये ले पीहू और ये अनमोल का। तो इतना क्या खुश हो रही हो? तुम्हारे पीछे माइक्रोवेव है, वो भी यही काम करता है भाई। देखो मैं आपके लिए पिज्जा लाया हूँ, ये पिज्जा ट्राई करो ना, बहुत यम्मी है। नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। थोड़ा सा नहीं, सच में मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। इट्स ओके मॉम। मॉम ज्यादा टेंशन मत लो, आपने अगर एक दिन मॉम होने से अगर छुट्टी ले ले तो क्या हुआ? कभी कभी मेरा भी मन करता है कि स्कूल से छुट्टी ले लूं। एक दिन छुट्टी ले लेने पर तुम्हारा स्कूल तुम्हें सजा नहीं देगा बेटा, पर आज जो गलती मुझसे हुई है ये बात मुझे बहुत लंबे अरसे तक सताएगी। स्कूल में तो पनिशमेंट का टेंशन होता है, लेकिन आपको क्या, आपको यहाँ पे कौन पनिश करने वाला है? सजा वो तो बेटा मिलेगी तेरी माँ को, और वही नहीं मुझे तो माफी भी मांगनी पड़ेगी, वरना औरों की तरह तुम्हें भी ये लगने लगेगा कि तुम्हें अपनी माँ की जरूरत नहीं है। गलती मेरी ही थी जो मैंने पुष्पा चाची की बात मानी, मुझे पुष्पा चाची की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, नहीं माननी चाहिए थी। वक्त के धुंधलेपन में भविष्य की सुबह अक्सर नजर नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे के जाने का वक्त नहीं हुआ। घबरा मत प्रतिभा, निराशा के इन आंसुओं को साफ होने दे, देखना सुबह बहुत चटक और उजली होगी, तेरा रास्ता बहुत दूर से नजर आएगा तुझे। ले बेटा। क्या हुआ माँ, चाय आपने क्यों बनाई है? अरे मुन्नू क्या मैं अपने बेटे के लिए एक कप चाय नहीं बना सकती? वो तो शरीर में जोर नहीं रहा, ना इन सबको बताती गृहस्थी कैसे संभाली जाती है। शालू ये टेबल पोछो, देखो कितनी गंदी है, देख नहीं रही हो कि नाश्ता लगा हुआ है? सुनिधि लाओ मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। आपकी जरूरत नहीं है दीदी, सब तैयार कर लिया है मैंने, आप तो बस आराम से बैठिए। बैठिए बैठिए, मैं बस दो मिनट में नाश्ता सर्व कर रही हूँ। छोटी भाभी के तेवर तो आग में तले हुए लग रहे हैं, भाभी ने किटी पार्टी के लिए कल सच में नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं सुनिधि मैं अभी नहीं खाऊंगी, वैसे भी रोज तो नाश्ता मैं ही लगाती हूँ। अब हमें क्या पता दीदी कि आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है भी कि नहीं? मैंने तो कल भी नहीं पूछा था, वो तो ऐन मौके पे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। महेन भाई साहब, मम्मी जी, पीहू, अनमोल, संजीव आ जाओ, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। भाभी तो क्या हो रहा है, ये सुनिधि भाभी को क्या हुआ है? आज उन्होंने सारा नाश्ता बनाया और मुझसे भी कहा कि मैं खाना बना दूं, उसके लिए मुझे अलग से पैसे देंगी। कुछ तो गड़बड़ है, तो वो आपके साथ कोई गेम खेलना चाहती है?
या फिर ये सच में बदल गई है।